दोस्तों आज बनाएंगे परवल की सब्जी। परवल की सब्जी इस तरीके से बनाएंगे, जिन्हें परवल नहीं पसंद वो भी उंगलियां चाट कर खाएंगे। किलो किलो भर परवल खरीद कर लाएंगे, तो यहाँ पर 5 पीस परवल ले लेने हैं और यहाँ पर परवल 250 ग्राम के लगभग हैं। एक चाकू ले लेंगे और एक परवल के इस तरह से दोनों साइड से काट लेंगे, ज़्यादा नहीं काटेंगे, थोड़ा थोड़ा ही कट कर लेंगे। और अब इसे छीलना नहीं खरोचना है, तो इस तरह से चाकू या चम्मच से इसे खरोच लेंगे, ऊपर का थोड़ा सा पतला सा छिलका उतार लेंगे, सभी को इसी तरीके से छील लेंगे और इसे 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी से इसे अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं, धो लिए हैं। तो अब इसे बनाने के लिए इसके बीज निकालने हैं, तो एक चाकू से इसके जो एक साइड है इस तरह से थोड़ा सा होल कर चाकू को थोड़ा घुमा लेंगे और यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से जो बीज है उसे निकाल लेंगे, या फिर आप इसे चम्मच से भी इसके बीज निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जब एक साइड से इसके बीज निकालेंगे और दूसरे साइड के जो होल हैं उसे खोलेंगे नहीं, उसे बंद ही रखेंगे। परवल के एक साइड से ही बीज को निकाल लेने हैं, चम्मच के पीछे साइड से निकालेंगे तो आसानी से सारे बीज निकल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए एकदम ये पैक हैं, तो इसी तरीके से सारे परवल के बीज निकाल लेने हैं और इस बीज को फेंकेंगे नहीं। यहाँ पर लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे 1 कप बेसन। तो ये सब्जी जो बना रहे हैं बहुत ही नए तरीके से बना रहे हैं। और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गुलकी पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे नमक। तो नमक अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 पीस नींबू का रस डालेंगे, जिसका बीज निकाल लिए हैं। अब इसे घोलने के लिए डालेंगे इसमें पानी। तो यहाँ पर कटोरी में पानी लिए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे घोलेंगे, एक बार में पानी नहीं डालेंगे। और इसका थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा घोल लिए हैं। इसमें अब डालते हैं 2 चम्मच तक तेल। तेल डालने से बेसन जो है एकदम हल्का हो जाएगा और एकदम जो हमारे सब्जी है एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं, जब तक इसमें ऊपर ऊपर बबल्स ना दिखने लगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर बबल्स दिखने लगे हैं। अब इसका घोल ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला रखेंगे। यहाँ पर देखिए घोल एकदम परफेक्ट तैयार है, तो इसे अब 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पर लेंगे एक कटोरी या फिर ग्लास ले लें। तो यहाँ पर देखिए ये जो परवल है बीज निकाल कर रखे थे, इस कटोरी में इस तरह से इसे सेट कर लेंगे, इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए एकदम परफेक्ट आ गए हैं। अब यहाँ पर घोल हमारा तैयार है, ऊपर ऊपर देखिए बबल्स दिखने लगे हैं, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है। इसी तरीके से घोल को रखेंगे। अब इस परवल में इस बेसन के घोल को डाल लेंगे, तो यहाँ पर चम्मच से डालेंगे तो ये आसानी से एकदम गिर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें बेसन के घोल को भर लेने हैं। यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से भर लिए हैं, इसी तरीके से सारे परवल में घोल को भर लेने हैं। तो यहाँ पर सारे परवल में घोल को भर कर तैयार कर लिए हैं। तो अब इस परवल को स्टीम करना है, तो स्टीम करने के लिए लेंगे एक कटोरा या फिर इसे भगोना भी बोलते हैं। और इस परवल के कटोरों को पानी में इस तरह से रख देंगे और इसे ढक कर इसे पका लेंगे। 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरीके से स्टीम हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तब ढक्कन को निकाल लेते हैं। और यहाँ पर देखिए बेसन एकदम ऊपर ऊपर आ गए हैं। अब गैस को कर देंगे बंद। और यहाँ पर देखिए परवल में जो बेसन डाले थे वो अच्छी तरह से पक गए हैं, एकदम बाहर निकल गए हैं। तो अब इसे बाहर निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये अच्छी तरह से पके हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसे पका लिए हैं, थोड़ा सा ये पक गया है। अब यहाँ पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, उसमें लेंगे 1/2 कटोरी तक तेल और इस तेल में से 2 चम्मच तक तेल डालेंगे। तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब परवल को डाल देंगे, तो इस सब्जी में ज़्यादा तेल भी नहीं लगते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए उलट पुलट करके सुनहरा कलर होने तक इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए उलट पुलट करके इसे फ्राई कर लिए हैं। तो अब इन सभी परवल को निकाल लेंगे, तो इस तरह से निकाल लेते हैं। और ये देखिए इसे फ्राई किए हैं, तो बहुत कम तेल में ये फ्राई हो गए हैं। तो सभी परवल को इस तरह से निकाल लेंगे। सारे परवल को निकाल लेने के बाद इसी कढ़ाई में
डालेंगे। परवल के बीज को तेल गरम हो गए हैं तो गरम तेल में बीज को डालकर इसे एक मिनट तक भून लेना है। और यहाँ पर देखिए इसका हल्का सा सुनहरा कलर हो जाएगा तब निकाल लेंगे। भून लेने से इसका कच्चापन थोड़ा निकल जाता है और इसे निकालेंगे तो मिक्सी जार में निकालेंगे और इसे पीस लेंगे। जब पीसेंगे तो बिना पानी डाले ही पीसेंगे। और अब यहाँ पर बचे हुए तेल को भी डाल देते हैं। तो यहाँ तेल जब गर्म हो जाएगा तब डालेंगे आधा चम्मच पचफोरन। थोड़ा सा इसे चटकने देंगे। 2 से 3 पीस बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटे हुए प्याज। तो प्याज को डालकर इसे हाई फ्लेम पे चलाते हुए भून लेना है सुनहरा कलर होने तक। और यहाँ पर देखिए इसका हल्का सा सुनहरा कलर हो गया है तब इसमें डालेंगे 1 पीस बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी डालकर भून लेते हैं और इसे मिक्स करते रहेंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले में 2 चम्मच डालेंगे लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच डालेंगे गोलकी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली और 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे थोड़ा सा कलर आएगा। और 1 चम्मच डालेंगे इसमें नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इन सभी को डालने के बाद भून लेंगे। इसे जब भूनेंगे तो मीडियम या लो फ्लेम पे भूनेंगे ताकि मसाले जले नहीं। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे पिसे हुए जो परवल के बीज थे उसे भी डाल देंगे। और इसे पीसे थे तो बिना पानी के ही पीसे थे। तो यहाँ पर इन सभी को डालने के बाद मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भून लेने हैं। और यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा मिक्सी जार में ही पानी डालकर इसमें थोड़ा सा चला लेंगे और चला कर अब इसे छोड़ देंगे और इसे धीमी आंच पे इस तरह से पकने देंगे मसालों को, जब तक ये ऊपर ऊपर तेल दिखने ना लगे। और यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर तेल दिखने लगे हैं तो इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी के पत्ते डाल देंगे। कसूरी मेथी के पत्ते डालने से शादियों में पार्टियों में जो परवल की सब्जी बनती है एकदम स्वाद वैसा ही लगेगा। और यहाँ पर अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पर 1/2 कटोरी मैंने पानी डाला है। आप अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैं परवल की सब्जी थोड़ा ग्रेवी वाली बना रही हूँ इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाले हैं। और इसमें उबाल आने के बाद इन सारे परवल को डालकर थोड़ा सा चला लेंगे और इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक इसे पका लेंगे ताकि परवल के अंदर मसाले जा सके। और यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद देखिए अच्छी तरीके से परवल की सब्जी बनकर तैयार है और इसमें थोड़ा सा ग्रेवी है। अगर आपको परवल की सब्जी सूखी पसंद है तो इसे आप थोड़ा सा ज़्यादा ही पका लें, थोड़ा मसालों को सुखा लेंगे ग्रेवी को। तो यहाँ पर देखिए अब ये अच्छी तरीके से पक गई है। गैस को कर देंगे बंद और इसे आप गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करके चावल के साथ भी, रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पर इसे थोड़ा सा तोड़कर दिखाते हैं। एक सब्जी में आपको 2 सब्जी का स्वाद मिलेगा। बहुत ही टेस्टी बहुत ही झटपट बनी है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे, मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।